गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने किया रथ जग्गा। रात भर लगते रहे किसान आंदोलन के नारे। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों की वापसी से घबराए नेता। गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। दिल्ली कूच कर सकते भारी संख्या में किसान। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद कूच करने की आशंका। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने रात भर कराए अनाउंसमेंट। किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए कराई मुनादी। गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात से पहुंचने लगे किसान। अलग अलग गांव से धरनास्थल पर पहुंच रहे किसान। किसान आंदोलन को तालान खाप का समर्थन। मेरठ से आज शाम तक 10,000 किसानों के पहुंचने का दावा। आज किसान नेताओं की क्राइम ब्रांच में होगी पेशी। 6 किसान नेताओं को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेजा नोटिस। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल, दर्शन पाल सिंह, राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के सामने होंगे पेश। सरवन सिंह पंधेर और सतनाम पन्नू को भी नोटिस। किसान आंदोलन पर टिकैत के गांव में आज होगी महापंचायत। सुबह 11 बजे महापंचायत में जुटेंगे कई गांव के लोग। गाजियाबाद प्रशासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राकेश टिकैत। धरना खत्म करने के प्रशासन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो यही फांसी लगाकर मर जाऊंगा। प्रशासन को किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा, गोली चलानी है तो चलाओ, हम यही मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के मंच के पास हंगामा। राकेश टिकैत ने एक शख्स को मारा थप्पड़। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की बढ़ी बीपी। मंच पर डॉक्टर्स ने टिकैत का हेल्थ चेकअप किया। किसान आंदोलन को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। 26 जनवरी की घटना के बाद यूपी सरकार सख्त। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने अधिकारियों को गाजीपुर बॉर्डर से धरना खत्म कराने का दिया आदेश। गाजियाबाद डीएम ने आंदोलनकारी किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का दिया आदेश। कहा, रात तक धरनास्थल खाली करेंगे वरना पुलिस बल का प्रयोग करेंगे। गाजियाबाद के डीएम और एसपी ने टिकैत को नोटिस के बारे में दी जानकारी। टिकैत ने कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। गाजियाबाद ईडीएम और एसएसपी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। किसान नेताओं ने आंदोलन खत्म करने से किया इनकार। और एनडी नेता अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की। अजीत सिंह ने टिकैत से कहा, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई। गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से किया गया बंद। प्रशासन ने लोगों को गाजीपुर की तरफ न जाने की दी सलाह। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 133 भी किया गया लागू। बॉर्डर पर वज्र वाहन को किया गया ताला। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से दी गई सुविधाएं हटाई गई। नगर निगम ने सफाईकर्मी, पानी और टॉयलेट की सुविधा को हटाया। गाजीपुर में धरना खत्म करने पर बोले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। कहा, सारी सुविधाएं बंद होने का बाद धरना नहीं चल सकता। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली हिंसा के आरोपियों को यूपी में नहीं आने देंगे। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों के टेंट उखड़ने हुए शुरू। तिरंगे के अपमान से असली किसान हुए नाराज। टिकरी बॉर्डर पर एक्शन की तैयारी में पुलिस। बॉर्डर पर वाटर कैनन के साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में किसानों ने किया खाली। पुलिस ने करीब 15 फर्जी किसान और दंगाइयों को हिंसा में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया। ब्लैकमेलिंग पर उतरे फर्जी किसान। बठिंडा की विर्क खुर्द गांव के पंचायत ने किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने पर 1500 रुपए फाइन लगाने का तुगलकी फरमान जारी किया। 26 जनवरी को हिंसा मामले में दंगाइयों पर देशद्रोह का केस। पुलिस ने 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। किसान संगठन बीकेयू भानु भी आंदोलन से हुआ अलग। अध्यक्ष गुनी प्रसाद ने चुंडी टिकैत, दर्शन पाल और योगेंद्र यादव को जेल में बंद करने की अपील। मथुरा में धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन हुआ खत्म। डीएम एसएसपी से बातचीत के बाद किसानों ने खत्म किया धरना। दिल्ली में हिंसा के बाद अब शाहजहांपुर बॉर्डर भी होगा खाली। किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने शाहजहांपुर बॉर्डर को खाली करने का फैसला लिया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, ऐसे आंदोलन को कुचलना ठीक नहीं, जब तक सांस है तब तक लड़ते रहे। दो और किसान संगठनों ने वापस लिया आंदोलन। बीकेयू एकता और बीकेयू लोक शक्ति के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। लाल किले से दो ऐतिहासिक कलश गायब। ध्वज के नीचे रखे गए थे दोनों कलश। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे अपना अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार करेगी कांग्रेस। 16 दूसरे दलों के साथ आने का किया दावा। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया कृषि कानूनों को जबरन पास कराने का आरोप। अयोध्या की नई मस्जिद पर ओवैसी के जहरीले बोल। कहा, अयोध्या की नई मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे की सुनवाई की अपील खारिज।
जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस नेता नजमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री स्वाति सिंह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जेल गए थे नजमुद्दीन। मेरठ में बीजेपी नेता पंकज लोधी गिरफ्तार, बीजेपी नेता पर पुलिस को धमकी देने का आरोप। योगी सरकार वापस लेगी व्यापारियों पर दर्ज केस, लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमों से मिलेगा छुटकारा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। AIMIM के पांचों विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, सभी विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा तेज। बिहार में 50 पार के कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट के फैसले का विरोध तेज, सचिवालय सेवा संघ और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सड़क पर उतरने को दी धमकी। जबरन रिटायरमेंट के मुद्दे पर आरजेडी ने सरकार पर बोला हमला, तेजस्वी यादव ने सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। एमपी में सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन सकेंगे सांसद विधायक, शिवराज सरकार ने नए सिरे से जारी किया अध्यादेश। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, चुनाव संचालन समिति की बैठक में बना ब्लूप्रिंट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से फ्लाइट के जरिए जयपुर लाया गया कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर, आज पुलिस ले जाएगी बहरोड। 5 लाख का इनामी बदमाश था पपला, बहरोड थाने पर हमला कर साथियों ने पपला को छुड़ाया था।